मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 15 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की का हैवान बाप ही है। यही नहीं, लड़की के साथ हैवानियत करने वाला उसका बाप अकेले नहीं था बल्कि पड़ोस में रहने वाला किराएदार सोनू, ये दोनों लोग मिलकर इस 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देते थे। मगर ये मामला तब उजागर हुआ जब लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई और उसने ये सारी बातें अपने दादी को बता दी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला इंदौर के खजराना थाने का है। दादी ने जब पूरी बात पोती की सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और थाने जाकर उसने शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस पूछताछ में लड़की ने बताया है कि लंबे समय से उसके पिता और किराएदार सोनू उसके साथ रेप करते थे और दोनों ने उसे डरा धमका कर रखा था कि वो किसी को भी ये बात ना बताए। मगर जब ये लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई और किसी तरह से जब इसने हिम्मत जुटाई तो ये सारी बातें अपने दादी को बता दी। बहरहाल दादी की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और आरोपी पिता और किराएदार सोनू दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दुखद घटना सामने आई है जिसमें एक बालिका ने बताया कि उसके साथ उसके पिता ने और उसके जो किराएदार वहाँ रहते थे उसमें उस युवक के द्वारा बलात्कार किया है और फलस्वरूप जो है वो अभी 7 महीने से गर्भवती है। पुलिस ने जैसे ही घटना के बारे में बताया, हम लोगों ने महिला अधिकारी से उसकी काउंसलिंग करा के उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। ये मार्च 2021 से हुआ था और पिता ने भी एक बार किया था बलात्कार और उसके अलावा जो किराया था जो तथाकथित उसका प्रेमी भी था उसके साथ भी 5-6 बार जो है बलात्कार किया। तो पुलिस ने उचित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है और हम लोगों ने दुष्कर्मी पिता को और किराएदार दोनों को गिरफ्तार किया है।